गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोपहर 2 बजे CBSE क्लास 12th का रिजल्ट आ गया है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू CBSE रेगुलर स्टूडेंट्स, उनका रिजल्ट सही समय पे आया और काफ़ी अच्छा है। इस वीडियो में आपको सारा डाटा देने वाला हूँ कि रिजल्ट कैसा रहा, और साथ ही उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अगर नहीं आया, क्यों नहीं आया, फॉल्ट क्या था, और साथ ही नहीं आया तो रिजल्ट कब आएगा, क्या उनको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स में आर एन लिख के आ रहा है, तो उनके भी हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाटा की। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, लगभग 99.37 पासिंग परसेंटेज रहा स्टूडेंट्स का। और बॉयज़ और गर्ल्स के अगर कंपेरिजन में बात की जाए तो गर्ल्स का जो मार्क्स रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। गर्ल्स का मार्क्स पासिंग परसेंटेज था 99.67, वहीं बॉयज़ का पासिंग परसेंटेज था 99.13%। ये हो गई लगभग डाटा की बात। अब कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी रिजल्ट नहीं आई है, लगभग 65,000 स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिजल्ट नहीं आई है। कारण ये है कि यहाँ पे लगभग कई सारे स्कूल ऐसी हैं जो इस बार नहीं ओपन हुई थी और उनका रेफरेंस ईयर का जो डाटा था वो अवेलेबल ही नहीं था। जैसे लगभग 1060 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो नई ओपन हुई थी, तो अगर नई ओपन हुई तो रेफरेंस ईयर जैसे क्लास 10th 11th का डाटा उनके पास होगा ही नहीं, और वो CBSE के जो पोर्टल ओपन किया था उस पर अपलोड ही नहीं किया होगा। तो यही कारण है कि आप लोगों का रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो घबराइए नहीं, आपको एग्जामिनेशन देना नहीं पड़ेगा। आपका एग्जाम जो रिजल्ट है वो लगभग 5 अगस्त तक आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे पेशेंस बनाना है और वेट करना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा और 5 अगस्त को आएगा। बात कर लें उन स्टूडेंट्स की जिन पे RL लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये है रिजल्ट लेटर, यानी किसी कारण ही आपका रिजल्ट नहीं आया। आप लोग जानते हैं कि कितना प्रॉब्लम आया था आपकी स्कूलों ने फेस किया था आपका मार्क्स अपलोड करने के लिए, तो उसी में से कोई एक कारण होगा जिसके कारण आपका मार्क्स अभी तक CBSE ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो आपकी भी रिजल्ट जो है, घबराइए नहीं, रिजल्ट आपकी भी 5 अगस्त तक जो है डिक्लेयर कर दी जाएगी। जैसे एक्सपर्ट लगे थे सारे स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करने में, वैसे भी एक्सपर्ट लगे हुए हैं आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। जल्द से जल्द अनुमान लगाया जा रहा है 5 अगस्त को आपकी भी रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दी जाएगी। बस आप लोग घबराइए नहीं, पेशेंस बनाए रखिए, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू दो स्टूडेंट्स जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं। और कुछ डाटा मैं भूल गया हूँ, उसको भी मैं रिपीट करना चाहूँगा। लगभग 70,000 बच्चे जो हैं इस बार 95% मार्क्स स्कोर किए हैं, और जो है 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने 90% मार्क्स एंड एवव गेन किए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम ऑल्सो। तो बस पढ़ाई करते रहिए विदाउट रिजल्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और उन स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, पेशेंस बनाए रखे, जल्द उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा, अनुमान लगाया जा रहा है 5 अगस्त तक।